सलाम अलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज ना हम लोग बनाएंगे हेल्दी पैटी बर्गर्स, बनाएंगे होममेड ही बनाएंगे, और सबसे बड़ी बात जी होममेड फूड के थ्रू ही बनाएंगे। तो जी आप लोग देखना स्टार्ट करें, वीडियो को देखना है एंड तक, भूलना बिल्कुल नहीं भूलना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और सबसे बड़ी बात जी लाइक और शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में अच्छी तरह से आप लोगों ने इसके बारे में बताना आप लोगों को कैसे लगे। चले जी चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, और आप लोगों ने ना टेंशन नहीं लेनी, आज तमाम सॉस ना हम घर ही बनाएंगे, पिज़्ज़ा सॉस, शॉर्मा सॉस एंड मस्टर्ड सॉस, टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले जी पिज़्ज़ा सॉस की मैंने आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर की है। ये रेसिपी 12 बर्गर के अकॉर्डिंग है, मतलब मेयरमेंट्स 4 टेबलस्पून केचप है, रेड चिली सॉस है, ब्लैक सॉस है, चिली फ्लेक्स है एंड कसूरी मेथी है, और ड्राई कोरिएंडर पाउडर है। ये आप लोगों ने सारे मैंने मेयरमेंट्स साथ दिए हुए हैं, उतने उतने टीस्पून और टेबलस्पून आप लोगों ने डाल लेने हैं। इसके बाद जी आपने शवारमा सॉस बनाना है। शवारमा सॉस के लिए भी मैंने आपको अलग से रेसिपी बता दी हुई है। इसमें जाएगा जी सिंपल वाइट वाला मायोनीज जाएगा 4 टेबलस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, ब्लैक सॉस 2 टेबलस्पून एंड ब्लैक पेपर 2 टीस्पून जाएंगे। ठीक है, ये 12 बर्गर के अकॉर्डिंग आप लोगों की थी जी मेयरमेंट्स, तो आप लोगों ने इसी के अकॉर्डिंग लेना है। और साथ ही साथ जी तीनों सॉस मज़ेदार से एक सॉस के साथ कनेक्ट करके हम तीनों के रेसिपी में आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ, क्योंकि ये बाहर से परचेज़ करना थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो आप लोग सॉस को 2-3 सॉस के इस्तेमाल से बाकी तमाम सॉस बनाइए और बर्गर्स को इंजॉय कीजिए, और एंड तक मुझे बताइएगा रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। चले जी अब मैंने बनाना है जी मस्टर्ड सॉस। इसके लिए मैंने आपको बताया है आपने रियल मायोनीज, मतलब ना ये थोड़ा सा वाइट नहीं होता, थोड़ा सा लाइट येलो सा कलर का होता है, आप लोगों ने ये मायोनीज ले लेना है 4 टेबलस्पून, वाइट मायोनीज ले लेना है 4 टेबलस्पून, टोमेटो केचप ले लेना है 4 टेबलस्पून, कसूरी मेथी ले लेनी है 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स ले लेना है 1 टीस्पून, और येलो फूड कलर ले लेना है 1 चुटकी, मतलब 1 पिंच ले लेना है। ठीक है, अच्छी तरह से आपने ना इसको मिक्स करना है। जहाँ भी आप लोगों की रेसिपी का कोई पोर्शन रह गया या समझ नहीं आई तो आप लोग फ्रीली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आप लोगों की हर क्यूरी का आंसर दूँ। ये जी मस्टर्ड सॉस का कलर मैंने आप लोगों को क्लोजअप करके दिखा दिया है। इसके बाद जी पैटीज की बारी आई, इनको मैंने इस दफ़ा मैंने रेडीमेड पैटीज़ ख़रीदी थी, तो अगर आप लोग ये भी कहेंगे, ये भी डिमांड करेंगे, तो मैं पैटीज़ चिकन पैटीज़ की भी रेसिपी आप लोगों के साथ होममेड ही शेयर कर दूंगी। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी किस तरह से आप चिकन पैटीज़ को भी घर बना सकते हैं, और सब कुछ ही मतलब बाकी तो सब चीज़ें ही घर बनी हैं। ठीक है, तो ये इस कलर पर जब ये पहुँचेंगे इस लेवल पर, तो आप लोगों ने चिकन पैटीज़ को डिश आउट कर लेना है। अब आ जाती है हमारा फाइनल टच आ जाता है और वो सर्विंग के करीब वाला प्रोसेस आ गया है। तो आप लोगों ने जी इसको आप लोगों ने मस्ट पूरे देखना है ध्यान से, ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। ठीक है, अच्छा कोटिंग आप लोग अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन स्पाइस की सॉस की सॉरी कोटिंग आप लोगों ने यही रखनी है। लेकिन और इसके बाद पहले सबसे पहले हम लोगों ने लगाना है जी पिज़्ज़ा सॉस, जो मैंने आप लोगों को घर बनाना सिखा दिया। आई होप सो आप लोगों को समझ भी आई होगी, और ये बहुत आपको ईजीली अवेलेबल होता है, और इजीली आप लोग इसे बना भी सकते हो घर पे। आप लोगों ने जी सबसे पहले लगाना है पिज़्ज़ा सॉस बर्गर्स के ऊपर। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं दोनों साइड्स पे लगा लें, नहीं तो एक साइड्स पे लगा लें। मेरा इसमें ये लॉजिक था कि हर बाइट में आपको हर सॉस का टेस्ट आए, ताकि हमारी मेहनत भी कामयाब हो और टेस्टफुल भी बर्गर्स बने। ठीक है, तो आप लोगों ने जी इसके बाद रख देनी है चिकन पैटी जो फ्राई की हुई है, मतलब उसके बाद आप लोगों ने जी पिज़्ज़ा वो लगाना है शवारमा सॉस इसके ऊपर, ताकि हर बाइट में आप लोगों को हर सॉस का टेस्ट आए और मज़ा दुबाला भी हो जाए, और आप लोगों का जी डाइनिंग भी डेकोरेट हो, और फास्ट फूड आप लोग घर पे ही बना सकते हो। ठीक है, और आपने जी जब ना इसमें लगा देना है ना शवारमा सॉस 1 टेबलस्पून, तो फिर इसके बाद आप लोगों ने कोकम्बर के बाद जी आप लोगों ने कोकम्बर को सेट कर देना है, मतलब फर्स्ट कोटिंग में सॉस, सेकंड कोटिंग में आपने रखनी है जी चिकन पैटी रखनी है, थर्ड कोटिंग पे फिर सॉस रखना है, फोर्थ पे आपने जाके कोकम्बर के पीसेस रखने हैं। ठीक है, और उसके बाद जी अच्छा रेसिपी आप लोगों के पास सेम होगी, बेशक इस शेप के बर्गर
बना लें या मार्केट शेप के लंबा मतलब दूसरी शेप के बर्गर बना लें तो सब कुछ सेम होती है। अच्छा एक बात और है, मैं आप लोगों के साथ ना कुछ दिनों के बाद ना इंशाल्लाह बर्गर बनाना, बर्गर की जो मतलब ऊपर वाली होती है ना कोटी है ये वाली बर्गर बंस बनाने की रेसिपी आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को कुछ भी मार्केट से परचेज ना करना पड़े, साथ भी 100% हम लोग घर पर ही बनाएंगे। कुछ दिन तक इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ सारी रेसिपी शेयर करूँगी, चिकन पैटीज घर पे बनाने की और बर्गर बंस भी घर पे बनाने की रेसिपी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह आन करीब शेयर करूँगी। उतनी देर तक जी ये बर्गर देखिए और अपना काम चलाइए, और साथ ही साथ जी सब्सक्राइब चैनल को लाइक शाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों के बर्गर की होममेड बर्गर की रेसिपी कैसी लगी है। और इस दफ़ा जी आप लोगों को होममेड फूड की तरफ से ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है, ये देखें जी फाइनल बर्गर बन चुके हैं। आप लोगों ने लेयर्स को याद में रखना है, ऊपर नीचे लगाना है, और सबसे बड़ी बात दी स्पाई आपने सॉस हर लेवल पे लगाने हैं, मतलब हर कोटिंग पे सॉस लगाना है ताकि टेस्ट इक्वली डिवाइड और इक्वली आपको टेस्ट आ सके खाने में, ठीक है जी। ये साथ ही मैंने ना जो सैलड बचा था इसके अंदर सॉस वगैरह सारे डाल दिए हैं, तो जी बताएंगे कैसा लगे, आप लोग बनाइए ज़रूर, फैमिली को इंजॉय करवाइए, खुद भी इंजॉय करें होममेड सारा बर्गर। और जी मिलते हैं जी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।